जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस खान। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 स्टार चौरंगी के करीब। मैं ज़रा प्रॉपर लोकेशन तो बताएं यहाँ की। ये 5 स्टार चौरंगी के बराबर में खूबसूरत होटल है। हाँ अवानी शराब को अगर हम 5 स्टार की तरफ से आ रहे हैं तो ये हमारे उल्टे हाथ पे पड़ेगा, उल्टे हाथ और पीपल चौरंगी से आएंगे तो ये हमारे सीधे हाथ पे पड़ेगा। बिल्कुल अपोजिट इसके, हमारे आगा जूस के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खूबस। पूरा नाम यही है? पूरा। खूबस के मायने क्या है? मतलब अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब ये खूबस एक तक बोला जाए तो अगवानी होटल है, फारसी होटल है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या अवेलेबल है ये भाई हमें बताएंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम है मोहम्मद नसीर। नसीर भाई जरा मुझे ये बताएं यहाँ क्या क्या चीज़ आपके पास? यहाँ पे लोरी चरगा है, चटपटा चरगा है, मसालेदार चरगा है, मटन रान है, दस्ती है, चाँप है, और चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, चिकन हंडी है, और चिकन टिक्का है, चिकन बोटी है, मलाई बोटी है, रेशमी कबाब है, सरतोश कबाब है, अगवानी बोटी है, अगवानी पुलाव है, अगवानी रोस्ट है, पराठा है, चपाती है, नान है। अच्छा, सबसे स्पेशल आपकी क्या चीज़ है? हमारी सबसे स्पेशल अगवानी बोटी है। अगवानी बोटी है वो बीफ में होती है? बीफ में होती है और तुम्बे की चर्बी होती है। तुम्बे की चर्बी होती है, मतलब लोग खाने आते हैं आपके पास। अच्छा मुझे ये बताएं ये होटल यहाँ कब से मौजूद है, कितने साल हो गए इसको यहाँ पर? यहाँ पे इसको 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं? मतलब 10 सालों में आपको क्या पब्लिक क्या रिएक्शन है, मतलब कैसा चलता है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होटल चलता है माशाल्लाह। चलें मैं आपको अभी ऑर्डर देते हैं हम अपना और उसको खा के हम बताते हैं कि लोगों को भी बताएंगे कैसा टेस्ट है, तो खा के हम इसके बाद आपको उसका रिव्यू देते हैं। जी, शुक्रिया भाई। जी जी ग्रेवी। हाँ खूबस खूबस मतलब आप बता सकते हैं पठान है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूबसूरत से खूबस। जी अच्छा, चिकन क्या है? जी ये भी कढ़ाई है? ये भी कढ़ाई है। उधर बताएं खूबस का मतलब क्या है? ये खूबस का मतलब बहुत अच्छा है, ये जो पठान में बोलते पठानी ज़बान, ये फारसी 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 मुझे बोलते खूबस खूबस। ये बताओ ये ऑर्डर कितनी देर में ले आओगे? फिर मैं सर 25 मिनट लगे कोयला देंगे आपको, कोयला देंगे जितने जल्दी हो सके। ये देखें ऊपर रूफ टॉप पे बड़ा इनका ज़बरदस्त बैठने का निज़ाम बना हुआ है। पूरी ये है जेंट्स एरिया है, ये सारा जेंट्स एरिया है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये फैमिली के लिए इन्होंने एक सेपरेट हिस्सा बनाया हुआ। देखें रूफ टॉप पे बनी हुई ये जगह, ठीक है, ये पूरा फैमिली एरिया है। और मैं आपको आगे दिखाऊं थोड़ा सा, ये है सारा, तो बहुत सारा। तो ऊपर रूफ टॉप पे बोला कितने तक तुम्हें बैठो? रूफ टॉप होगा लेकिन मजा तो आ रहा है, लेकिन यार ये पता नहीं आग भी लगा देते तो बोले यार दो वो रखी है मैंने। अच्छा चलो मैं मंगाता हूं, आग लगा दे मतलब कहाँ पर? मतलब कि गर्माई यहाँ लग रही है। उम्मे फरवा सर्दी लग रही है तुम्हें? इधर दिखाओ, इधर टोपा वोपा पहन के बैठी हो भाई? ओ छोटू क्या हाल है? ओ देखे पीछे एक और बैठे यार, बड़ा अच्छा ऊपर निजाम बनाया हुआ रूफ टॉप पे। यार तुम्हारा नाम क्या है भाई? अमजद, वो जरा कोयले तो लेके आओ ऊपर है, बड़ा मजा आ रहा है। ब्याज तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब तखत तखत लग रहा है रूफ टॉप पे। बट खाना हमने फर्स्ट टाइम अभी तक नहीं खाया है, फर्स्ट टाइम खाएंगे। फिर खाने का आप लोगों को असल में बताएंगे, हम लोग बैठे हुए थे घर में, हुआ ये कि ठंड की वजह से गैस तो आ नहीं रही है और खाना भी ठंडा हो रहा था और भूख बहुत लग रही थी, सुबह से एक निवाला नहीं खाई हूँ मैं, तो इस वजह से हमने कहा कुछ खिला दो यूनुस, कुछ खिला दो। तो हम यहाँ पहुँचे, तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए तो खाना खा के आप लोगों को रिव्यू भी करेंगे। तो देखते हैं खाना मंगा लिया हमने, थोड़ी देर में इंतज़ार करें हम। सर लोरी चरगा मेरा ऐसा है, मजा नहीं आया, पैसा वापस है भैया, पैसा वापस, पैसा वापस। ओके, नहीं, बोल दिया, भाई, मजा नहीं आया। नहीं, भाई साहब
चौथी कढ़ाई बना रहे हो? चिकन शनवारी कढ़ाई बन रही है और ये शनवारी के उस्ताद बताए जा रहे हैं हमें और लग रहे हैं भाई शक्ल के उस्ताद में ये भाई हैं असल उस्ताद जी इसके। अच्छा नहीं ये बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई बना रही है देखो। अच्छा इसमें क्या बन रहा है भाई? अच्छा अभी बहुत ज़बरदस्त ये जो आप दिखा रहे हैं और बारबेक्यू में जो टिक्के चिकन टिक्का दिखा रहे हैं, रश्मि कबाब, सीख कबाब और मलाई बोटी। यहाँ भाई क्या बना रहे हैं? ये भाई अभी तुर्किश कबाब बना रहे हैं, स्पेशल हमारा तुर्किश है ना सर। दिखाओ जरा सीख जो लगाई आपने। ये भाई लगा रहे हैं तुर्किश कबाब। ये चिकन के होते हैं बीफ के होते हैं? चिकन के होते हैं। ये भाई ये तुर्किश कबाब लगा रहे हैं। ये देखे भाई ये बड़े एक्सपर्ट लग रहे हैं मुझे लगाने के। वहाँ पे जा रहा है तैयार हो। दो चिकन चीज रोल के कबाब आए पर भाई ओके। लेसन में इंटरव्यू। हाँ भाई ये क्या बन रहा है जरा बताएं सर? ये तुर्किश कबाब है। ये तुर्किश कबाब बना रहे हैं? जी जी। ये क्या होता क्या है? ये चिकन होती है क्या होता है? जी जी ये चिकन होता है, इसमें चिकन होता है, चीज़ होता है और कोया भी होता है इसमें। बिल्कुल नरम होता है। कितनी देर में बन जाता है? 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। 10 से 15 मिनट में तैयार हो जी। हाँ भाई ये कौन सी बोटी लगा रहे हैं? ये अफगानी बोटी है सर। ये अफगानी बोटी है जी। ये बीफ की होती है या दुम्बे की है? ये बीफ का होता है। ये बीफ होता है जी। ये अफगानी बोटी तैयार होती है यहाँ पे। होटल का क्या नाम है? बड़ा मुश्किल नाम है। होटल का खुबस। खुबस नाम है होटल का। यहाँ में खुबस है, सब कुछ मिल जाएगा। अफगानी बोटियाँ भी मिलेंगी आपको। अच्छी देखें ये खुबस का नाम मतलब उन्होंने मुझे बताया खूबसूरत। खुबस यानी अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये इसका मतलब है भाई। यार बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे बन रही है भाई चपातियाँ। ये देखें ये चपातियाँ बना रहे हैं भाई हमारे। भाई चपाती के अलावा क्या क्या है? चपाती के अलावा हमारे पास राजा जी चलाने और पाक के समय। अच्छा कौन सा नान? इससे पहले क्या बोला? कंधारी नान। कंधारी नान जी। अच्छा कंधारी नान तो मुझे अफगानी नान लग रहे हैं। हाँ, है ना? कंधार के ही है। कंधार के नाम से मशहूर है वो लंबा वाला नान। तो अभी आप लगाओगे कंधारी नान? ये अभी ऑर्डर है अभी। कंधारी नान चलाएगा आगे तक। अच्छा वहाँ आगे लगेगा। हमारा गार्लिक नान। गार्लिक नान भी है वो। चले ये चपातियाँ तो मैंने आपको दिखा दी, आपको बाकी नान सब दिखाते हैं। ये देखिए भाई यहाँ पे नान लगाए जा रहे हैं। जी भाई कौन से नान लगा रहे हैं? कंधारी नान है। कंधारी नान जरा एक दिखाओ तो भाई। लगा रहे हो? जी दिखा रहा हूँ। रोगनी नान है, कंधारी नान है, गार्लिक नान है। आप अभी जो कर रहे हो ये कौन सा नान है? ये कंधारी नान है। कंधारी नान जरा दिखाया है। हाँ भाई अफगानी नान बोल दूं मैं तो? अफगानी या कंधारी? ये तो सादी रोटी है ना? ये सादी रोटी। तो जनाब ये देखिए ये है कंधारी नान। ये कंधारी नाम क्यों है? ये अफगानिस्तान में ऐसे बनते हैं? हाँ ये कंधार का नाम है ना, कंधारी अफगानी नान है। हाँ मशहूर नान है कौन सा? कंधार का। ठीक है भाई बहुत शुक्रिया। ये भाई देखें ये तो सादी नान है, ये गार्लिक नान है। ये कौन सी? शाही? शाही कढ़ाई है सर। ये शाही कढ़ाई हो गई और ये टर्किश कबाब। तुर्किश कबाब है स्पेशल। तुर्किश कबाब स्पेशल। अच्छा और हमारा ये रोश है, नमकीन रोश आपको दिखा रहे हैं। ये रोश के साथ दाल आएगी, चने के और कीमे की दाल होगी। और ये रोज का जो पीस हो ना, बटर पीस दिखा रहे इसको क्या बोलते हैं? इसके नमकीन रोज। अच्छा ये नमकीन रोज है जी। इसके साथ यखनी भी आ जाएगी। यखनी दिखा रहे हैं। आए हम आपको दिखाते हैं, एक अच्छी सी फैमिली यहाँ बैठी हुई भी है। ये है एक अच्छी सी फैमिली, देखें खाने में बहुत ज़्यादा मगन है ये लोग। क्या खा रही हैं आप? खाना बहुत मजे का। खाना बहुत मजे का, इसलिए मुझसे वेट नहीं हुआ। और ये कढ़ाई और ये तुर्किश कबाब बड़े मजे के हैं यार। ये बिल्कुल सिंपल हाथ सेकने के लिए यहाँ पे दिखाया। हाँ। ये भी हमारे पास हाथ सेक। तुर्किश कबाब मुझे बहुत पसंद आएंगे।
सिंपल है, ज्यादा लवाजमात तो, नहीं है उसके अंदर। तो हम यहाँ खाना खाने के वो आपका माइक मेरे पास है सर। खाना खाने के बाद आपको उसका रिव्यू देते हैं, बताते हैं कैसा खाना है, आपको आना है या नहीं आना सब बताते हैं। कढ़ाई तो बड़ी लाजवाब है, जबरदस्त, मुझे बहुत पसंद आई कढ़ाई। और ये टर्किश कबाब है जो है ना, ये देखो थोड़ा, ये देखो जूसी जूसी टाइप के, ये जबरदस्त, ओह वाकई में यार। स्पेशली सब बच्चों को भी यही पसंद आया टर्किश कबाब, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मजे का है। अच्छा, इनके पास और भी बहुत कुछ है, अवानी बोटी है, मतलब सारी चीजें हैं जो भाई ने अभी बताई, आप वीडियो में देखेंगे। सही हो गया, सही हो गया, वाह वाह वाह। हम खाना खा ले, खाओ खाओ खाओ। ये बहुत मजे का, आपको चाय जरूर करना है। ओहो, मैं खा रही हूं। कौन चीज मंगवाया? थोड़ी सी थी। और आपका क्या ख्याल है? उसमें मायने इधर आई है, एंड में आई है, ये तो भरी भी ऊपर मायोनीज, ये अभी अभी आई है, बीच में आई है, मतलब स्टार्ट से मायोनीज नहीं थी। हाँ। और सर आपका क्या ख्याल है जरा सामने सर? फोन दे सम्मी। ओके सर, को दो, मतलब सर खाने में मसरूफ है। ठीक है भाई, ओवरऑल अगर इसको हम एवरेज करेंगे ना तो मेरे हिसाब से इसको हम 7 दे सकते हैं। खाना अच्छा, नहीं खाना अच्छा है मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे अच्छा खाना हमें कहीं और नहीं मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, खाना अच्छा है, इससे अच्छी भी कढ़ाई में मिल सकती है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, बट एवरेज बुरा नहीं है। और मैं इसको 7.57 देती हूं। ठीक है जी, ये पके हुए? तो जनाब हमने आपको ये पके हुए? नहीं भाई वो है कच्चे हैं। क्यों खाने तुमने? अब कुछ नहीं खाना, आगे रिव्यू दे दिया सब कुछ हो गया। अच्छा तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, खाली हमने आपको उसका रिव्यू दे दिया। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, कोई और नई वीडियो में। जिसने प्रमोशनल वीडियोस करवानी है डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और हमें कीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।